अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में होंगे और खुशहाल होंगे, हमारी यही दुआ है। तो आज था 23वां रोज़ा, खैर खैरियत से वो भी हो गया और रमज़ान की बरकत है। और मैं आई हूँ आज ऊपर, वो इस वजह से आई हूँ क्योंकि इनके पापा ने बोला कि पौधों को पानी अब दो टाइम देना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। देखिए मेरी मनी प्लांट दिख रही होगी आपको यहाँ से, क्योंकि वो पूरी धूप में थी, जल जा रही थी, तो मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब इसको हाफ टाइम ही धूप लगती है, तो मैं अपने पौधों को भी सोचा कि मैं अपने पौधों को भी दिखा देती हूँ। रोज़ा खोल लिया है और जो है नमाज भी अदा कर ली, तो मैं बस झट से ऊपर आ गई, नीचे के पेड़ों में पानी डाल दिया और ऊपर आ गई कि चलो अपने ऊपर के पौधों में भी पानी डाल दूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पौधों की क्या प्रोग्रेस है। वैसे तो हमेशा मैं अपने पैरेट की दिखाती हूँ और आजकल बुलबुल की दिखाती हूँ, बट मैं आज आपको पौधों की भी प्रोग्रेस दिखाती हूँ और मैं सीक्रेट भी बताऊँगी इस ब्लॉग के ज़रिए कि आप लोग ऐसा क्या करें कि आपके पौधों में भर भर के फूल आएँ और बहुत अच्छा लगे। क्योंकि जब ये फ्लावरिंग का टाइम भी है, इस टाइम पर अगर आप उनके खाद पानी का अच्छा ख्याल रखते हैं तो पौधों में बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है अगर आपका गार्डन है। मेरे पास तो फ्रेंड्स इतना बड़ा गार्डन नहीं है, मैंने छत पर ही लगाया हुआ है। इवन मेरे पास तो कोई बैकयार्ड ही नहीं है, बस छत पर ही मैंने लगा रखे हैं थोड़े से पौधे और बाहर थोड़ा सा बाउंड्री में लगा रखे हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि आपकी सिस्टर को इतना बड़ा बैकयार्ड मिले, आंगन मिले बड़ा सा, कि वो खूब सारे पौधे लगाए। क्योंकि मुझे बहुत शौक है, अल्लाह पाक अगर मुझे किसी मतलब बड़ा घर देगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं ज़रूर एक पोर्शन गार्डन का बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खूब सारे पेड़ पौधे हों घर में और बर्ड्स बोलती रहें, चिड़ियों की चहचहाट। मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी बोली में इतनी खूबसूरती रखी, इतनी खूबसूरती, और उन्हें इतना खूबसूरत बनाया। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ खूबसूरत है, इंसान भी खूबसूरत है, जानवर भी खूबसूरत है, बट मुझे लगता है जो बर्ड्स हैं, जो पंछी हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो अल्लाह पाक ने ख़ास मतलब तवज्जो के साथ बनाए हैं। उनको आप देखिए वो कितने खूबसूरत लगते हैं, फ्लावर्स के जैसे ही लगते हैं। पेड़ पौधों में रहते हैं ना, तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्लावर्स के तरीके ही होती हैं बर्ड्स भी। तो मेरा दिल करता है कि मेरा बहुत बड़ा सा आंगन हो, उसे बहुत सारे पेड़ पौधे हो और बहुत सारी बर्ड्स दिन रात बोलती हो। और देखिए मेरे हैप्पी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, वो नीचे से बोल रहा है और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। आज कोई भी फ्रूट्स नहीं था, सेब दे करके आई हूँ उसको, थोड़ी देर खाया मगर उन्हें पसंद नहीं आया। चलिए मैं अपने अपने गार्डन की अपडेट दे देती हूँ आपको। गार्डन ही क्या कहूँ, बस दो चार पौधे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आज क्या है। मैं बाहर आ गई हूँ रात का टाइम में और लाइट ऑन कर दी है, तो देखिए यहाँ कितना अच्छा लगता है। और छोटा सा गार्डन है, अब चूंकि बहुत लोगों का बहुत ही खूबसूरत सा है, ऊपर वाला नहीं ले जाऊंगी, वहाँ बहुत अंधेरा है, नहीं दिखा सकती, तो बस मैं यही दिखा रही हूँ। अब छोटी सी छत है मेरी, तो छोटी सी छत में सारे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, थोड़े बहुत नहीं, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। ये यहाँ पर टंगा हुआ था मनी प्लांट, तो यहाँ से डायरेक्ट धूप आती थी तो वो जल रही थी इसकी पत्तियाँ, फिर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, ये इसके शेड में है ना। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी पत्तियाँ, देखिए कितने अच्छे, और पानी में नहा के तो कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए मेरे तुलसी का पौधा कितना अच्छा हो चुका है। ये मैं पहले अपने सब दिखा दूँ ग्रोथ, उसके बाद मैं सीक्रेट बताऊँगी जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए मेरी तुलसी में कितनी, मैं रोज़ इसकी मंजरी को तोड़ती हूँ, रोज़ आना, क्योंकि मंजरी से पौधा जो है ना, अब मैं मगरिब का टाइम हो चुका तो अब मैं नहीं तोड़ूंगी, सुबह सुबह तोड़ देती हूँ। पौधा जो है बोलते हैं कि ये भारी पड़ता है तुलसी के ऊपर मंजरी, तो घना नहीं होता है, फिर सूखने लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैं काटती हूँ, जितना मैं हटाती हूँ, उतने ही ज़्यादा और आ जाती हूँ। और मेरी पोटलाका भी अब ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे सदाबहार के फूल माशाल्लाह, और ये फूल एक बार के नहीं है, रोज़ाना बंदर आता है, रोज़ाना सारे फूल को तोड़ मरोड़ के फेंक देता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ये इतने ही फूल खिल जाते हैं, क्योंकि इनका सीज़न चल रहा है और इनकी खाद पानी की बहुत अच्छा है। गुड़हल में भी फूल आने लगा है। और ये देखिए मेरी चांदनी का पेड़ बिल्कुल बेकार हो चुका था, तो अब बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लगे हैं, इसमें भी बहुत सारे आते हैं, भर भर के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ते के फूल तो सारे के सारे मधुमक्खियाँ खा गई, और गल्ले देखिए कितने अच्छे गल्ले आ गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत ही प्यारे से। और देखिए माशाल्लाह से, अब रात का टाइम है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, और देखिए ये धूप, दिन में धूप में रहता है तो कैसा हो गया, जलने लगा है। और ये देखिए बेले में भी अब शुरू हो गई हैं,
कलियाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कलियाँ, छोटी 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 नीचे भी हैं। और अगर मैं ऊपर गई सुबह तो मैं ऊपर दिखाऊंगी अमरूद, जितना भी बंदर ने नोच के फेंके थे वो फिर से अमरूद के फूल आने लगे हैं और उसमें अमरूद भी इंशाल्लाह निकलेंगे। तो फ्रेंड्स सॉरी, ये डंडा भी रखना पड़ता है, अगर ये डंडा ना रखूँ तो बंदर आकर के आफत कर दे। और ये तो आपको मैंने दिखाया नहीं, ये जो मेरा एलोवेरा था बिल्कुल मर चुका था, बिल्कुल मर चुका था, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी और अब देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया और फिर से रीजेनरेट हो गया ये। और ये देखिए पालक का तो अपने आप ही निकला है, तो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है। तो अब आपको मैंने अपने सारे नीचे के पौधों को दिखा दिया है। और इस तरीके से देखिए जब यहाँ पर ऐसे खड़े होते हैं बारिश के टाइम, इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, पूरा आसमान दिखाई देता है दूर से दूर तक फ्रेंड्स, यहाँ से दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको दिल में बेचैनी हो, उलझन हो, परेशानी हो, बस छत पर आ जाइए आप और आराम से बस सुकून से कुर्सी डाल करके बैठ जाइए। और हाँ चलिए मैं आपको खाद दिखा देती हूँ अपनी, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, ये रहे केले के छिलके, ठीक है, इनको मैंने धूप में सुखा लिया, शायद आपको समझ में ना रहा हो बट ये है तो केले के ही छिलके, देखिए किस तरीके से सूख गए, काले पड़ गए हैं, ठीक है। और ये देखिए ये मेरी सब्जियों का वेस्ट मटेरियल है, ये बहुत कम है। अब मैं आपको बताती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पेड़ पौधे इतने अच्छे क्यों हैं, हरे भरे इतना सुकून क्यों देते हैं, इनका कलर इतना ब्राइट क्यों है, फ्लावर्स इतने चमकदार शाइनी क्यों हैं। तो फ्रेंड्स रमज़ान में मेरे जो फ्लावर्स हैं वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, पूछिए क्यों, क्योंकि रमज़ान में हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और जितने भी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, धनिया मिर्च जिसके भी जो भी पार्ट्स निकलते हैं, छिलके निकलते हैं, मैं उनको इकट्ठा करती रहती हूँ और एक बाल्टी भर के पानी में उनको रख देती हूँ, रात में भिगो देती हूँ तो सुबह को छान करके वो पानी पौधों में डाल देती हूँ, और दिन में भिगोती हूँ तो शाम को डाल देती हूँ। तो ये पानी किसी भी तरीके की खाद से, किसी भी तरीके की जो भी आप बाज़ार में मिलती उन सब से बेटर होती है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की खाद होती है। और ये डालने से आप एक बार डाल के देखिए मेरे कहने से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही डालती रहिए, आपके पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, और फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती है, फूल तो भर भर के आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, काफ़ी टाइम हो चुका है और बच्चे भी सोच रहे होंगे मम्मी कहाँ चली गई, मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर का है। ये है सुजैन का सेरेलैक और मैं ड्रॉपर से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ इनको। और सुजैन कहाँ पर हैं, सुजैन आप नहीं देख पाएंगे, सुजैन बैठी हुई हैं मेरे मोबाइल के ऊपर सुजैन, और वो उल्टा मुझे देख रही हैं और मोबाइल में कुट कुट कर रही हैं बंद करने के लिए, बंद कर दो, बंद कर दो सुजी, सुजी जब बाहर निकल आती है तो खाने पे ध्यान ही नहीं देती है, सुजैन सुजैन इधर आ जाओ, ए बिस्मिल्लाह, ये रही, इनको तो मोबाइल के ऊपर ही बैठना पड़े। सुजैन अभी इस टाइम खाना नहीं खाना है, और देखिए ये चाट चाट के खाती है अपनी छोटी सी टंग निकाल के चाट चाट के खाती है, खाओ नन्ही चिरैया छोटी सी बुलबुल। और देखिए फ्रेंड्स इसकी ऑरेंज कलर की आई है, रेड वेंटेड नहीं है, ये ऑरेंज वेंटेड बुलबुल है, बहुत प्यारी है ये, बहुत ही प्यारी है, टुक 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 करती रहती है। अरे मम्मी की खाल खा रही है ये तो, नोच नोच के मीठा मीठा से, अरे लग खाओ देखो है, हम ले लेके पीछे पीछे घूमते रहते हैं इनके, देखो नहीं उनको कुछ और खाना, आज इसने खिचड़ी भी खाई थी थोड़ी सी, अब भूख लगी है, भूख लगी आज इसने फ्रेंड, थोड़ी सी खिचड़ी भी खाई थी, खाई रही, और इधर खाती इधर पॉटी करती, इसने मेरे ऊपर पॉटी कर दी है, तो रुक जाइए ख़त्म हो गया है लग रहा, रुक जा बेटू खिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत ख्याल रखिए अपनी बुलबुल का, ये बुलबुलें हैं, खा लो खा लो, पहले खा लो, बहुत सुकून से इनको खिलाया कीजिए, ये बेचारी ये बस ये दुपट्टा खाने के चक्कर में, कपड़ा खाने के चक्कर में, ये सब खाने की चीज़ें नहीं है, देखिए 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 ये हरकत है, बस इनको घोंसला लगता है, यहाँ पे सोचती कि हम यहाँ पे बैठ जाए सो जाएं,
सुजैन 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 यहाँ तुम्हें क्या अच्छा लगता बेटा? सुजैन 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 सुजैन। अच्छा, इनके नाम की भी एक अनोखी कहानी है। मेरे पास कोई भी पेट आता है, चाहे कुछ भी हो, कैट ही क्यों ना, अपने आप ही मेरे दिल में नाम आ जाता है और बस मैं उसका नाम ले लेती हूँ। ये देखिए मोबाइल पे बैठ गई है। सुजैन खाना खाओ, मोबाइल में अपनी सफाई कर रही। सुजैन सुजैन, बस मैं इनके पीछे भागती रहती हूँ और ऐसे ही मैं हैप्पी के पीछे भी भागती थी सारे लक ले ले करके कि बेटा खा लो बेटा खा लो। तो आपके भी बर्ड्स इस तरीके से आपको परेशान करते हैं? ये देखिए इनकी पूछ मोबाइल पे ही बैठी हुई है। सुजैन आओ सुजैन, नहीं आना है, बस खेलना है, उनको खेलना है। आजा मम्मा के पास, आजा बिट्टू थोड़ा सा और खा लो, फिर हम जा रहे खाना बनाने, फिर हम आधे घंटे बाद आएंगे। थोड़ा सा और खा लो। पहले लोग कहते थे ना इनका खाना बिल्कुल चिड़िया की तरीके, तो वाकई में फ्रेंड्स यही बात है, ये बहुत कम खाती है और थोड़ी थोड़ी देर में मांगती हैं। ये देखिए चाट चाट के खा रही है, अभी अपने पेरेंट्स को भूल गई है बेचारे, इसके माँ बाप अब आते भी नहीं हैं, आएंगे भी तो क्या। वैसे अब मैं इसको छोड़ सकती हूँ, इसकी वाइट वाली जो निशान है वो कम हो गई है, अब ये है अभी भी है लेकिन थोड़ा कम हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरी बुलबुल अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे से सुझाव मुझे दीजिएगा, अच्छे अच्छे से मुझे बताइएगा मुझे इस प्यारी सी बुलबुल का क्या करना चाहिए। और ये बेटा 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 रपट रही है, ये इस प्यारी सी बुलबुल को क्या मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर अपने पास ही रखना चाहिए? तो मुझे ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में कि इनको क्या किया जाए, मार दिया जाए? नहीं मारा तो नहीं जाएगा, बहुत प्यारी, छोड़ दिया जाए। अब तो इनके मम्मी पापा भी नहीं आते हैं बाहर। हाँ बेटा, बाबू बाबू। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और देखती हूँ ये कहाँ गई है। इन्होंने खाया है सेरेलैक फ्रेंड्स, मैंने खिला दिया इनको और ये देखिए यहाँ इनके नीचे के पर गायब हैं, तो मुझे देख के बहुत डर लगता है कि इसको कुछ हो ना जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितना ये प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, नेचर के करीब रहते हैं, कुदरत के पास रहते हैं, उतना इनके लिए अच्छा है पेड़ पौधों में पत्तियों में रहना। अब चूँकि हम इसे पेड़ पौधे पत्तियों में छोड़ दें, ये बिन माँ बाप का बच्चा बेचारा, बड़े पंछी इनको जो है ना कौवे हैं ये सब खा जाते हैं। हम आपको बताया मैंने पहले भी कि मैंने बचपन में एक फाफता के बच्चे को देखा था, कौवा उठा के ले गया था और उसको मार डाला, ज़रा सी नज़र बची वो उसको उठा के ले गया। ये बड़े निर्दयी होते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास आ गया है ऐसा कोई बच्चा तो प्लीज़ प्लीज़ उसको बहुत केयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपका गार्डन है कि मैं इसको गार्डन में छोड़ दूँ रहेगा, तो लेकिन आप फिर भी उसको निगरानी में रखिए, क्योंकि गार्डन में ही तो आ जाते हैं दूसरे भी पंछी या बिल्ली आके खा सकती है इनको। तो इनको अपने रूम में रखिए, रूम पूरा लॉक कर दीजिए, देखिए कोई जानवर ना आ जाए। और कुत्तों का भी कोई भरोसा नहीं होता है, वो भी इनको मार सकते हैं, इसलिए बस इनको बहुत ही केयर के साथ बड़ा कीजिए और जब ये बड़े हो जाएं तो इनको आज़ाद कर दीजिए, ये अपने वातावरण में ही बेस्ट होते हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बुलबुल का बच्चा देखा है, पहली बार तो मैंने बुलबुल ही नहीं देखी थी आपको बताऊँ, अब इसके ज़रिए से मैंने देखा और इसका इतना प्यारा नाम है, जैसे सुजैन बुलाती हूँ। अब इसे मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ तो फिर ये कहीं नहीं जाती है, जल्दी उड़ती नहीं है और वैसे इधर से उधर खुदकती रहती है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरी ये बुलबुल कैसी लगी, इतनी प्यारी है ये, अच्छी ही लगी होगी। देखिए देखिए इनकी शरारतें, देखिए इनकी शरारतें, देखिए। और अब ये चाहती हैं कि हम दाना दुनका खाएं और जल्द से जल्द ये सीख जाएं तो ज़्यादा अच्छा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, 15-15 मिनट में ये खाना मांगती है और सेरेलैक ठंडा हो जाता है, फिर मैं गुनगुना नया बनाती हूँ। देखिए भूख लगी है, मैं इसको खिला दूँ, मेरे पास कोई और कैमरा नहीं है कि मैं लगा दूँ और आपको दिखाऊँ कि ये कैसे खाती। लो मोबाइल पर ही आ गई हैं, अब क्या करूँ मैं इसका, मोबाइल पर ही खिलाती हूँ। खा लो खा लो खा लो सुजैन सुजैन सुजैन, नहीं खाना है, मुझे नहीं पता सुजैन कहाँ है फ्रेंड्स। और सुजैन मेरे पीछे आ गई हैं। सुजैन सुजैन आओ सुजैन, इनकी शरारतें तो बंद ही नहीं हो रही है फ्रेंड्स, आ गई मोबाइल पे आ गई। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी प्यारी सी सुजैन को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी सुजैन पे। एक सेकंड, मैं आपको इनसे भी बाय करो, सबसे बाय करो।
हैप्पी मेरा बाय करता था, आप भी बाय करो। ये देखिए बाय कर रही है आपको। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम और आप मिलकर एक बहुत अच्छी सी फैमिली बनाएंगे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।